नमस्कार मित्र, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं से रिलेटेड जो आप सभी की बहुत बड़ी खबर है उसके बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। यह खबर वैसे तो प्राइवेट है यानी कि निजी है, सरकार ने इसको गुप्त रूप से भेजा है, लेकिन हम आप सभी को इसके बारे में बताए थे। आप सभी को पूरा पर्चा नहीं दिखाएंगे, पर्चा मेरे पास है ना। इसमें क्या बताया गया वो आप सभी को बताऊंगा, इससे फायदा क्या मिलने वाला है वो आप सभी को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप सभी ने स्किप की तो इसमें आप सभी का ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर जो अपडेट है ये आई है 24/1/2023 को, ठीक है। जो भी इस तारीख को देख रहे हैं इसी तारीख को ये जो अपडेट है ये आई है 24 जनवरी 2023 को, ठीक है। और ये आई है गुप्त रूप से। इस खबर पर सरकार का कहना ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल वालों को ही पता होना चाहिए, यानी कि जो शाला वाले हैं, जो विद्यालय समिति है, उन विद्यालय समिति को ही ये क्या पता होना चाहिए, बाकी विद्यार्थियों के को इसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज किस वीडियो में आप सभी को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को इससे ये पता लगने वाला है कि पेपर कैसे बनेंगे। बिल्कुल, अब देखिए वो जो आदेश है उस आदेश में जो लिखा रहा है कि कौन कौन से शिक्षक गण हैं जो पेपर बनाएंगे, बहुत सारे शिक्षक की उसमें लिस्ट दे रखी है। अपना जो मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश में टोटल जो 52 जिले हैं, उन 52 जिले से हर एक जिले से अलग अलग टीचर, हर एक जिले से अलग अलग टीचर्स के जो नाम है, अलग अलग जो शिक्षक जो गण हैं, उन शिक्षक के जो नाम है वो दिए गए हैं। जैसे कि मान के चलिए, ऐसा नहीं कि हिंदी का जो टीचर है उसको इंग्लिश में बुला लिया, जो हिंदी का जो विशेषज्ञ टीचर होगा उसको हिंदी के पेपर के लिए बुलाया जा रहा है, जो भौतिक का होगा उसको भौतिक के लिए, जो रसायन का होगा उसको रसायन के लिए, और जो इंग्लिश का होगा उसको इंग्लिश के लिए, जो गणित का होगा उसको गणित के लिए, हर एक शिक्षक को, जैसे कि जो जीव विज्ञान का होगा उसको जीव विज्ञान के लिए बुलाया जाएगा, और वो उससे जो उसका जो विषय रहेगा उसके विषय से रिलेटेड पेपर बनाएगा। अब ये तो हो गई बात, इसके बाद बात करते हैं कि आखिर वो प्रश्न कहाँ से उठाएगा। तो मैं आप सभी को बताता हूँ, उसके पास ऑप्शन रहेगा, एक तो रहेगी परीक्षा अध्ययन, क्या रहेगी, एक तो परीक्षा अध्ययन रहेगी, एक रहेगी उसके पास नवबोध, एक रहेगी उसके पास युगबोध, उसके पास रहेंगे मॉडल पेपर, उसके पास रहेंगे क्या, आपका जो भी जिला है उस जिला के जो अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुई थी उस अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर थे वो पेपर, उसके बाद जो त्रैमासिक जो परीक्षा हुई थी उस त्रैमासिक परीक्षा के पेपर, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। और एक और क्या रहेगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्रश्न बैंक रहेगी। उसके पास कितने ऑप्शन है, एक परीक्षा अध्ययन, दो नवबोध, तीन युगबोध, चार मॉडल पेपर, पाँचवा जिला अर्धवार्षिक के पेपर, और छठवा त्रैमासिक पेपर, सातवा प्रश्न बैंक। इतने सारे ऑप्शन हैं, और भी कोई ऑप्शन होंगे तो मैं आप सभी को बताऊं, सबसे ज़्यादा वो प्रश्न इन तीनों में से तो उठाएगा ही सही, सबसे ज़्यादा इन तीनों में से बात कर लेते हैं। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किस में से उठाएगा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन उठाएगा जो सन वाले है, जो 2018 में भी आ रहे हैं, 19 में भी आ रहे हैं, 20 में भी आ रहे हैं, और 22 में भी आ रहे हैं, क्योंकि 21 में तो परीक्षा ही नहीं हुई थी, ठीक है। जो क्वेश्चन इन सभी सालों में आ रहे हैं सबसे पहले वो उसको सेलेक्ट करेगा, एक क्वेश्चन वो उनको सेलेक्ट करेगा जो सरल है, जो उसको सरल लग रहे हैं, एक क्वेश्चन जो कि बहुत सारे जो शिक्षक गण रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ही महान रहते हैं, उनको अपनी सोच ही प्यारी रहती है, तो वो एक क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे छाटेंगे जो उनको अपने अनुभव के अनुसार जो क्वेश्चन उनको सरल लगेंगे उनको चूज करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन परीक्षण बैंक में ना हो, चाहे वो त्रैमासिक परीक्षा में ना आए, चाहे अर्धवार्षिक में ना आए हो, चाहे मॉडल पेपर में ना हो, चाहे इन तीनों में ना हो, लेकिन वो है किस में, वो है आप सभी की पुस्तक में, तो वो उस क्वेश्चन को सेलेक्ट जरूर करेगा जो उसको लगता है, किसको, उसके अपने अनुभव के अनुसार। यानी कि अब अगर कुल मिला के अगर एक और बात बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होंगे प्रश्न बैंक से,
और कुछ होंगे त्रैमासिक पेपर से, सबसे ज़्यादा त्रैमासिक से आएंगे, ठीक है, अर्धवार्षिक पेपर सब, ये तो सभी आप सभी को याद करना ही है। आप सभी को जो आप सभी के विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है आप सभी के शिक्षक के द्वारा, वो सारे के सारे क्वेश्चन भी आप सभी को कवर करने, ऐसा नहीं कि आप अपने अनुसार तैयारी कर रहे हो, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो आप सभी याद नहीं कर रहे हो, और आप सभी सिर्फ और सिर्फ इस पर प्रश्न बैंक पर ही फोकस कर रहे हो। तो प्रश्न बैंक पर आप सभी को पूर्ण रूप से फोकस करना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ से भी बनेंगे। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि सारा के जो पेपर है, सारा के सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से बनेंगे, क्या प्रश्न बैंक से बनेगा, ऐसा आदेश में बिल्कुल नहीं कहा गया है कि वो जो शिक्षक गण हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो भौतिक का हो, चाहे रासायन का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे गणित का हो, चाहे जीव विज्ञान का हो, किसी का भी हो, ऑल सब्जेक्ट जो भी टीचर हो, उन पर ऐसी कोई भी प्रतिबंधित नहीं है, कोई भी ऐसी प्रतिबंधी नहीं है, कोई भी ऐसा उन पर नियम लागू नहीं है कि वो प्रश्न बैंक से ही चुने, या वो सिर्फ त्रैमासिक पेपर से चुने, या अर्धवार्षिक से चुने, या मॉडल पेपर से, या युगबोध नवबोध परीक्षा अध्ययन या इनसे ही चुने, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ऐसा आदेश में बिल्कुल नहीं कहा गया। तो हम अभी नहीं कह सकते कि प्रश्न बैंक सर्वोपरि है या प्रश्न बैंक से ही पूरा पेपर बनेगा। इसलिए आप सभी को ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप सभी को प्रश्न बैंक भी पढ़ना है, त्रैमासिक पेपर भी पढ़ना है, अर्धवार्षिक पेपर, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ लो, जो भी आप सभी को मोस्ट लगे, जो भी आप सभी को सरल लगे, सब कुछ पढ़ लो, क्योंकि आ कहीं से भी सकता है, सेलेक्ट कहीं से भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये जो जानकारी है ये अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के अपडेट्स और जानकारी से अवगत होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुँचाइए। आप सभी का जो भी डाउट हो, जो भी कोई क्वेश्चन हो, जिस भी बारे में आप सभी को जानना है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना न भूले। जय हिंद, जय भारत।